हेलो गाइस वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ क्लास टेंथ किस तरीके से न्यूट्रिशन अलग अलग प्लांट्स में एनिमल्स में ह्यूमन uh, बींग्स के अंदर एवन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस होता है आज हम अपने लेक्चर में वही सब पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो tropic and second one is heterotrophic. Heterotrophic. What is autotrophic? Auto means self. Auto means self. Self synthesizing of food, and trophic mean, means. सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड ओके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं खुद से सेल्फ प्रिपेयर करते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो क्या किस से बनाते हैं दे विल प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सो व्हाट

एंड क्लोरोफिल क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिजम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोला जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नाउ बात की जाए देखो बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो दो टाइप के होते हैं एक तो होते हैं फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज फोटोट्रॉफिक दूसरी बात करी जाए वो होते हैं कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक कौन से होंगे जो कि बैक्टीरियाज होते हैं अपना जो फूड है वो केमिकल्स को खाकर प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो होते हैं कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको कीमोट्राफ्स बोला जाता है बैक्टीरियाज ओके ना बात करी जाए फोटो सिंथेसिस एग्जैक्टली प्रोसेस है क्या फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस देखो मैं बात आ, करूं एक ड्रॉ करके बताती हूं आपको लीफ का स्ट्रक्चर जिसके अंदर किस तरीके से फोटो सिंथेसिस होती है एडेप्टशन क्या है लीव्स के तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द लीफ क्या है कि सपोज दिस इज द लीफ ओके ये लीफ है लीफ का ये वाला जो पार्ट है दिस इज मिड रिब ओके और ये जो पार्ट है ये इसके क्या होंगे वेन्स क्लियर है ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अब दिस पार्ट दिस पार्ट इज कॉल्ड द लेमिना, इसको क्या बोला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द लेमिना है ना सरफेस ऑफ लीफ जिसको सरफेस ऑफ लीफ बोला जाता है दैट इज लेमिना। लेमिना के बाद में ये वाला जो पार्ट आता है इसको बोला जाता है मिड रिब इसका फंक्शन क्या होगा मिड रिब इसका फंक्शन जो होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टेम टू द रूट्स उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है अपर से लेके लोअर पार्ट तक ठीक है और ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको बोला जाता है वेन्स है ना ये भी क्या किसमें हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करते हैं अब देखो अपर पार्ट लीव की जो अपर सरफेस है अपर सरफेस ऑफ द लीव इज कॉल्ड एज द एपीडोम ठीक है अपर एपीडोमिस जिसको बोला जाता है अपर एपीडोमिस और लोअर सरफेस जो होगी लीव की लोअर पार्ट तो उसको बोला जाएगा लोअर एपीडोमिस एपिडोमिस आई बात समझ में? नाउ इन दोनों के बीच का जो पार्ट होगा इन दोनों के जो बीच का पार्ट होगा उसको बोला जाता है मेजोफिल बिटवीन द अपर एपिडोमिस एंड बिटवीन द लोअर एपिडोमिसोफेल उसको क्या बोला जाएगा दैट इज मेजोफिल अब अपर एपिडोमिस के अंदर और लोअर एपिडोमिस के अंदर लोअर एपिडोमिस के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ठीक है क्या प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप कह सकते हैं आप या फिर क्या कह सकते हैं किडनी शेप का स्ट्रक्चर होता है तो दिस और ज्यादा मात्रा में जो स्टोमेटा है दिस इज स्टोमेटा ठीक है स्टोमेटा स्टोमेटा क्या करता है वॉट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इट इज अ सेल फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी जाए ये क्या है सेल है सेल क्या करेगा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओके जब रिलैक्सेशन होता है सेल का तब क्या होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस uh, होगी एंड रिलीज करेगा क्या ऑक्सीजन को रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये सेल के अंदर जिसको गार्ड सेल भी बोला जाता है गार्ड सेल है ना तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहां से क्या होगा ऑक्सीजन रिलीज आउट होगा ओके okay? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा तो इस तरीके से ये स्टोमेटा काम करता है अब सबसे ज्यादा स्टोमेटा सेल्स जो हैं वो लोवर एपिडोमिस में पाए जाते हैं यानी कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो सनलाइट आएंगी वो इन्हीं स्टोमेटा लीव्स uh, के ऊपर पड़ेंगी और लीव्स क्या करेंगी एब्जॉर्ब करेंगी एब्जॉर्ब करेंगी लाइट रेस को तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बेटा दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन टू थ्री स्टेप्स तो हम बात करेंगे आ, थ्री स्टेप्स ऑफ फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस कौन कौन से हैं वॉट आर द थ्री स्टेप्स फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी कि जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी लीफ के ऊपर इसको एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो किया जाएगा किसके द्वारा दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल के द्वारा वो एब्जॉर्बन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होगी क्लोरोफिल क्या है वॉट इज क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल की बात करी जाए तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का प्रेजेंस पाया जाता है जो भी स्टेम्स हैं, लीव्स हैं इनकी वजह से कलर्ड पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट का जो कलर है वो कैसा पाया जाता है दैट इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल आई बात समझ में क्लोरोफिल इज द पार्ट ऑफ किसका पार्ट है इट इज पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट क्या है व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इज अगेन द पार्ट ऑफ द प्लास्टिड ठीक है इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लास्टिड प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स क्रोमो क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट इसी का ही एक पार्ट है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट शो करता है और वो है क्लोरोफिल जिसकी वजह से स्टेम और लीव जो है वो ग्रीन कलर की नजर आती है क्रोमोप्लास्ट येलो कलर का पिगमेंट शो करता है ठीक है तो एब्जॉर्ब ऑफ लाइट किसके द्वारा होगा दैट इज द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल नाउ सेकेंड पार्ट जो है यहां पे फोटोलिस ऑफ वॉटर फोटोलेसिस यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ तो इसके लिए रिएक्शन बन जाता है क्या रिएक्शन हो जाएगा एच टू ओ की एच टू जो है वो ब्रेक डाउन होगा एच टू एंड ओ टू मॉलिक्यूल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ और यू कैन से लाइट ओके दैट इज लाइट लाइट के प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ब्रेक डाउन होंगे इन टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर तो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ वाटर अगेन आफ्टर दैट द थर्ड प्रोसेस इज द रिडक्शन ऑफ सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा रिडक्शन होगा और इन तीन प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होती है और जो रिएक्शन बनता है यहां पे फोटोसिंथेसिस का द रिएक्शन इज क्या होगा कि जब reaction reaction of photosynthesis what will be the reaction of the photosynthesis to yahan pe reaction kya hoga ki water roots ke dwara absorb kiya jayega to water jab combine hoga किसके atmosphere से जो carbon dioxide ली जाएगी उसके साथ में CO2 वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेन रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तब यहां पर जो बनेगा दैट इज ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ओके आफ्टर दैट यहां पर रिलीज होगा कुछ अमाउंट का वॉटर एंड कुछ अमाउंट की ऑक्सीजन ओके ऑक्सीजन आई बात समझ में नाव यहां पे जो होगा रिएक्शन इज नॉट अ बैलेंसड रिएक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी बैलेंस करनी पड़ेगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्स सीओ टू एंड ट्वेल्व एच टू ओ नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन ठीक है ऑक्सीजन जो होगी रिलीज होगी तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है दिस इज द complete reaction of photosynthesis and this is very very important as per the mode of nutrition in class 10 this is a whole process to aapko ye jo process hai bahut easy tarike mein aur sare steps कि autotrophic mode of nutrition में क्या होता है photosynthesis क्या होगा कितने steps में photosynthesis takes place होगा and what is the reaction ठीक है ये एक रिवर्सिबल है फिर अगेन जब रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर उसके अंदर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज करेगी कुछ अमाउंट की एनर्जी दैट इज एटीपी दैट इज एडेनोसाइन ट्राई ठीक है बेटा इसको आप अच्छे से पढ़ें दिस इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन आई बात समझ में दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ओडोट्रॉपिक अब बचा हमारा हेटेरोट्रॉपिक तो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ठीक है जल्द ही मैं उसको लेके आऊंगी थैंक यू थैंक यू सो मच उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज प्रेस द बेल आइकन थैंक यू थैंक यू सो मच